नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अनामिका शुक्ला की फर्जी भर्ती घोटाले में अमेठी में भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अनामिका शुक्ला नाम से एक शिक्षिका कार्यरत थी। उसी संदर्भ में 6 तारीख को बीएसए द्वारा एक मुकदमा यहां पर फर्जी दस्तावेजों के तहत फर्जी भर्ती का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसमें अमेठी में जो अनामिका शुक्ला के नाम से जो लड़की यहां कार्यरत थी, आरती नाम है, जो थाना विशुनगढ़ कन्नौज की मूलतः रहने वाली है और अमेठी में वो नवंबर के बाद से 28 नवंबर के बाद से ज्वाइन करके कार्यरत थी, उस लड़की को आज थाना अमेठी की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये अनामिका शुक्ला के नाम से जो लड़की है आरती, इसका इसके 3 उपनाम है, आरती और आकृति और अन्नू, कन्नौज की रहने वाली लड़की है ये। 28 नवंबर को ये लड़की यहाँ पर कार्यरत हुई थी। इसमें जो इनका मेन मास्टरमाइंड था पुष्पेंद्र, जिसको एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसके ये संपर्क में आई थी और नौकरी का झांसा देने के चलते इसके नाम से और अनामिका शुक्ला के सारे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज करके इस लड़की को यहाँ पर नौकरी दिलवाई गई थी। इसको ये जानकारी नहीं थी कि इसके साथ साथ अन्य कई जगह पर कई लड़कियों को सेम नाम से नौकरी दी गई है। 2 लाख रुपए में ये पूरी बात तय हुई थी और जब ये लड़की असमर्थ रही कि मैं 2 लाख रुपए एक साथ नहीं दे पाऊंगी, तो ये तय हुआ कि हर सैलरी से 50-50% करके किस्तों में पुष्पेंद्र को पैसा वापस करेगी। आज के इस बुलेटिन में केवल इतना ही। फिर नए बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।